आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में आपके केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। किनको लेकर? जो आप देखते हैं ना कि सड़क दुर्घटना में कई लोगों की डेथ हो जाती है, कई लोग घायल भी हो जा सकते हैं, तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों को इस तरह की चेतावनी भी कई जगह लिखी मिल जाती है कि धीरे चलिए, दुर्घटना से देर भली, या फिर लिखे मिल जाते हैं कि धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, और जल्दी चलोगे तो इलाहाबाद में मिलोगे या प्रयागराज में मिलोगे। इन सब का मतलब भी आप लोग बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इस रिपोर्ट में क्या-क्या कहा गया है, कौन-कौन से आंकड़े रखे गए हैं, उन सबको बात कर लेते हैं हम लोग। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, यहाँ आप लोगों को नीचे लिखना है कि हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है अभी करंट में। इतना तो मुझे लगता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए ना कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज द वार्डन ऑन इंडिया सोसाइटी शीर्षक से विश्व बैंक की रिपोर्ट जारी की गई है। यहाँ एक आपका शब्द आया हुआ है विश्व बैंक, तो इसके बारे में भी आपका कई बार क्वेश्चंस प्रीलिम्स परीक्षा में पूछ लेता है। ठीक है, तो वैसे आपके जितने भी संगठन हैं, महत्वपूर्ण संगठन हैं, उन सबको हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिए, सभी संगठन कवर किए गए हैं। फिर चाहे आपके राष्ट्रीय संगठन हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, अगर कोई छूटा हो तो बताइए, उसे भी कवर करवा देंगे। ठीक है, विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। एक बार देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें ये हमारे प्यारा भारत, और वॉशिंगटन की बात करें तो आप देखेंगे ये है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, और यहाँ आप देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा आपको वॉशिंगटन। ठीक है, तो ये विश्व बैंक का मुख्यालय है यहाँ। ठीक है, याद रखिए। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है कि इसमें कितने मेंबर हैं, ये तो आपका डायरेक्ट कई बार वन डे एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह का बन जाता है। तो 189, कितने? 189 मेंबर हैं अभी। ठीक है, याद रखिए। और एक बात और इसमें याद रखनी है, ये भी कई बार आपकी प्रारंभिक परीक्षा में स्टेट पीसीएस हो या फिर सिविल सर्विस हो, इसमें कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं कि विश्व बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो इन सभी रिपोर्टों को आप लोग याद रखिए। पहली आपकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। दूसरी आपकी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये भी आपकी विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। तीसरी है आपकी ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ये भी आपकी विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। चौथी है आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ये भी आपकी विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। और लास्ट है आपकी वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी आपकी विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ये सभी रिपोर्टें आपकी विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती हैं, तो इसके बारे में जरूर आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, या क्वेश्चन आपसे इस तरह का भी पूछ लेता है कई बार कि चार ऑप्शन दे देगा आपसे और पूछेगा कि इसमें से कौन सी रिपोर्ट को विश्व बैंक जारी नहीं करता है। अगर आपको सभी मालूम होगा कि कौन कौन सी जारी करता है, कौन नहीं जारी करता है, आराम से आप बता सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। इस रिपोर्ट को एनजीओ सेव लाइफ फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया गया है। और याद रखिए, अगर हम लोग सेव लाइफ फाउंडेशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 फरवरी 2008 में, और इसका मुख्यालय आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, हमारी राजधानी में। ठीक है, सर्वेक्षण में आप देखेंगे शामिल किए गए आंकड़ों को भारत के चार राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से एकत्रित किए गए हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों को भी आप लोग बड़े क्रम में याद रखा करिएगा। कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है या फिर उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्यों से लगती है। अब इसमें कौन कौन से आपके राज्यों को शामिल किया गया है? तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है आपका, ये बिहार है, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, और नीचे आप देखेंगे तमिलनाडु आपका, ये तमिलनाडु है। इन चार राज्यों से आंकड़े लिए गए हैं एक तरह से। ठीक है, याद रखिए। सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु की वैश्विक आंकड़ों की अगर बात करें हम लोग, तो सड़क यातायात के कारण चोटिल होना मृत्यु का आठवां प्रमुख कारण है। यानी कि आपने देखा होगा कहीं एक्सीडेंट हो गया या कोई और दुर्घटना हो गई, हमारे देश में आप देखेंगे हमेशा सुनते रहते हैं हम लोग कि आज वहाँ सड़क दुर्घटना हुआ, इतने लोगों की डेथ हुई, इतने लोग एक तरह से घायल हुए हैं। ठीक है,
सड़क दुर्घटना मृत्यु दर की बात करें तो उच्च आय वाले देशों की तुलना में निम्न आय वाले देशों में 3 गुना अधिक है। आप समझ सकते हैं कि रोड की स्थिति क्या रहती है, तो गरीब देशों में इनकी अधिक देखने को मिलेगी। और आप लोगों से मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग भी ध्यान रखा करिएगा, आप अपना ध्यान रखा करिएगा, और सामने वाला भी आजकल बड़ा तेज गाड़ी चलाते हैं लोग, तो उनको भी बच के, उन जैसे लोगों से बच के ही रहा करिएगा। एक तरह से वो तो मरेंगे, साथ में आपको भी एक तरह से, या तो जो भी वो एक्सीडेंट अगर आप में लगा देते हैं, घाल देते हैं, तो आप भी घायल हो सकते हैं। तो अपना सामने वाले से भी एक तरह से सचेत रहा करिएगा और खुद तो अपना ध्यान रखा करिएगा, ठीक है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली अगर मौतों की बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं के कारण विश्व भर में होने वाली कुल मौतों में से 11% मौतें भारत में होती हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। अब आप अपने यहाँ की रोडों की या फिर और स्थिति की अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे, दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में मौत हमारे देश में होती है, भारत में। प्रतिवर्ष लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें आप देखेंगे 1.5 लोगों की मृत्यु हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि कितने लोग हैं, आप समझ रहे हैं, 1.5 लाख लोग बहुत होते हैं। अगर हम बात करें सड़क दुर्घटनाओं की आर्थिक प्रभाव की, तो अनुमानित आर्थिक नुकसान सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का हमारा 3.4% है, जो कि देश में सड़क दुर्घटनाओं की पर्याप्त रिपोर्टिंग की कमी को दर्शाता है। आप समझ सकते हैं कि एक, जैसे आप समझिए कोई दुर्घटना हो रही है कहीं, तो उसका शरीर तो चोटिल होगा, साथ में आप देखिए उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होगी, समझ रहे हैं आप लोग, और उस पर जो भी निर्भर रहता होगा परिवार के मेंबर, उनकी हालत भी एक तरह से आप समझ सकते हैं खस्ता होगी, ठीक है। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए, सामने वाले लोगों का भी ख्याल रखिए, ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुमान अगर बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं की सामाजिक आर्थिक लागत सकल घरेलू उत्पाद के 0.77% की बराबर है। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों में से 76.2% लोग 18 से 45 वर्ष की आधारभूत कार्यशील आयु वर्ग के होते हैं। आप जानते हैं कि यही लोग एक तरह से काम करने लायक होते हैं, और आप समझिए इसी समय में, उम्र में, आपके अंदर जवानी कहते हैं ना, जोश कहते हैं ना, वो भी रहता है। आप देखते हैं कि 60-70 से नीचे तो आप गाड़ी चलाते ही नहीं इस उम्र में, बुढ़ापे में तो आप देखते हैं कि बड़े अच्छे से आदमी समझ जाता है, सब कुछ समझ आ जाता है। लेकिन आजकल आप 14-15 साल से देखिए बच्चों को कितनी रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, समझ रहे हैं? अगर इसके हम लोग सामाजिक प्रभाव की बात करें तो परिवारों पर भार, सड़क दुर्घटना तथा इसमें होने वाली मृत्यु ने व्यक्तिगत स्तर पर जहां आर्थिक दृष्टि से मजबूत परिवार के गंभीर वित्तीय बोझ में वृद्धि की, वहीं उन परिवारों को कर्ज लेने के लिए बाध्य किया जो पहले से ही गरीब थे। आप समझिए कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, अब उसका इलाज तो करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा, तो आप समझिए कि उस परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब होगी। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु की वजह से गरीब परिवारों की लगभग 7 माह की घरेलू आय कम हो जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित परिवार गरीबी और कर्ज के चक्र में फंस जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ता की, तो संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ता वर्ग द्वारा दुर्घटनाओं के बड़े बोझ को सहन किया जाता है। देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और गंभीर चोटों के कुल मामलों में से आधे से अधिक हिस्से PRUS वर्ग की है, यानी कि संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ता की है। संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ता वर्ग में सामान्यतः गरीब, विशेष रूप से कामकाजी उम्र के पुरुष जिनके द्वारा सड़क का उपयोग किया जाता है, को शामिल किया गया है। अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों में आकस्मिक सैनिकों के रूप में कार्यरत, दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले सैनिक और कर्मचारी नियमित गतिविधियों में लगे सैनिकों की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। भारत में संवेदनशील वर्ग को कम संवेदनशील वर्ग के साथ सड़क साझा करने करने के लिए बाध्य किया जाता है, और अतः ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति की आय पर उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन खर्च का प्रत्यक्ष भार भी पड़ता है। लिंग विशिष्ट प्रभाव की अगर बात करें तो हम देखेंगे गरीब और अमीर दोनों ही पीड़ित परिवारों की महिलाएं घर की जिम्मेदारी और भार उठाने हेतु अक्सर अतिरिक्त कार्य करती हैं, और उनके द्वारा जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के उद्देश्य से
घरेलू गतिविधियों में अधिक योगदान दिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना के बाद घरेलू आय में कमी आने के कारण लगभग 50% महिलाएं बुरी तरह प्रभावित होती हैं। लगभग 40% महिलाओं द्वारा दुर्घटना के कारण अपने कार्य को परिवर्तित किया गया है, जबकि लगभग 11% महिलाओं द्वारा वित्तीय संकट से निपटने हेतु अतिरिक्त कार्य किया गया है। आप समझ सकते हैं कि जब पैसे की जरूरत होगी तो एक तरह से आप समझिए कि अगर आप 10 घंटे काम कर रहे होंगे तो आपको अपना टाइम बढ़ाना होगा। समझ रहे हैं आप लोग? अगर ग्रामीण और शहरी विभाजन की बात करें हम लोग, तो निम्न आय वाले शहरी यानी शहरी और उच्च आय वाले ग्रामीण परिवारों की तुलना में निम्न आय वाले ग्रामीण परिवारों की आय में काफी गिरावट देखी गई है। इसमें अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदमों की, अगर बात करें इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, तो इनसे भी आपके डायरेक्ट हो सकता है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाए, और लिखित परीक्षा में अगर क्वेश्चंस आता है तो इन पॉइंटों को आप लोग उपयोग कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा पर ब्रासिलिया घोषणा, ये सन 2015 में हुई थी। ब्राजील में आयोजित दूसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में सड़क सुरक्षा हेतु घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, और इस घोषणा पत्र पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे। देशों ने वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य 3.6 अर्थात वैश्विक मौतों की संख्या और सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली वाली चोटों की संख्या को आधा करने की योजना बनाई है। और एक बात और आपको बताऊं, सतत विकास लक्ष्य अभी ही एक दिन पहले हम लोगों ने क्लास ली हुई है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ISBCS के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें आपके सतत विकास लक्ष्यों के बारे में विस्तार से हम लोगों ने बात की है। क्या है कि इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, या फिर आप लोग निबंध लिख रहे होते हैं या आंसर लिख रहे होते हैं तो उन आंकड़ों का उपयोग आप लोग उस आंसर में या निबंध में कर सकते हैं। तो उन सभी को आप लोग याद रख लीजिए, कंठस्थ याद कर लीजिए। सड़क सुरक्षा हेतु दशक की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 से 2020 को सड़क सुरक्षा हेतु कार्रवाई के दशक के रूप में घोषित किया था। और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करें तो इसका आयोजन हर 2 वर्ष में किया जाता है। इसके 5वें संस्करण 6 से 12 मई 2019 से आयोजित में सड़क सुरक्षा के लिए मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। और अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम की बात करें तो यह सुरक्षित सड़कों के माध्यम से लोगों की जान बचाने हेतु समर्पित एक पंजीकृत अनुदान भी है। और एक बात और आपको बताऊं, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ के सड़कों की क्या हालत है। समझ रहे हैं आप लोग? यही मालूम नहीं चलता है कि कहाँ गड्ढा आ जाता है, कहाँ गिर जाए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अच्छे से देख के चला करिएगा, ठीक है? एक बार अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, हमारे एमपी, आपने देखा होगा एमपी के मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि अमेरिका जैसी हमारे यहाँ सड़कें हैं। आप समझ रहे हैं? तो कैसी सड़कें हैं एमपी में भी आप लोग जाके देखा होगा, तो वहां की भी सड़कों को आप लोग समझ सकते हैं। भारत सरकार द्वारा तो मोटर वाहन संशोधन 2 के लिए वृद्धि करता है, और यह अधिनियम मोटर वाहन दुर्घटना हेतु निधि प्रदान करता है, जो भारत में कुछ विशेष प्रकार की दुर्घटनाओं पर सभी सड़क के उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य बीमा कवरेज प्रदान करता है, सड़क सुरक्षा बोर्ड को मंजूरी प्रदान करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया जाना है। यह मदद करने वाले व्यक्तियों के संरक्षण का भी प्रावधान करता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं कहीं न्यूज पढ़ रहा था कि एक बाप का बेटा सड़क दुर्घटना में मारा जाता है। कहते हैं कि उस सड़क की मरम्मत, जहां भी गड्ढा होता है वो बाप भरता रहता है, वो अपनी पूरी जिंदगी भर यही काम करता रहता है। आप समझ रहे हैं? जितने भी दिन जो भी रहता है उसका समय वो इसी में लगा रहता है। आगे की राय क्या हो सकती है? तो इसमें जीवन को सुरक्षित करने और तथा पीड़ितों और उनके परिवारों की जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के उद्देश्य से सुधार हेतु नीति उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता भी है, जिसमें तत्काल वित्तीय चिकित्सा और कानूनी सहायता प्रदान करना शामिल है। जिन क्षेत्रों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है उनमें दुर्घटना के बाद आपातकालीन देखभाल और प्रोटोकॉल, बीमा कवरेज और मुआवजा प्रणाली शामिल है। और मौजूदा सुरक्षा प्रणाली में नीति निर्माताओं और संबंधित राज्य सरकारों को पूर्ण नीति निर्धारण को प्राथमिकता देने एवं सड़क सुरक्षा हेतु बेहतर प्रदर्शन के उद्देश्य से स्थायी समाधान उन्मुख समावेशी उपायों को लागू करने की आवश्यकता है। एक बात और लास्ट में इतना ही कहूंगा कि
कि देखिए मुआवजा मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। इस पर ध्यान देने की बजाय आप खुद सुरक्षित रहिए, क्योंकि एक बार जान जाने के बाद ना तो जान वापसी आती है। आप समझिए कितना भी बीमा देते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन जिस परिवार से मेंबर जाता है उसका दर्द, शायद उसकी पीड़ा हम लोग कभी नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो सरकारों को छोड़िए आप लोग, आप अच्छे से गाड़ी चलाया करिए, कहीं जा रहे हैं तो आगे पीछे देख के बड़ा सचेत होकर, समझ रहे हैं, अगर किसी गाड़ी में अगर कोई तेज चला रहा है तो उसे भाई हाथ जोड़ के उतर जाया करिएगा। ठीक है, ध्यान रखा करिएगा। इस रिपोर्ट के जो भी बिंदु हैं उन्हें भी याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस हर बन जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है।